बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, ठीक इसी तरह से पुलिस जब मुस्तैद हो तो जुर्म भी छुपाया नहीं छुपता। पुणे पुलिस ने जलगांव में सुबह सुबह हलचल मचा दी है और BHR पद संस्था घोटाले में अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर अब पुणे ले जाया जा रहा है। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है वो कोई मामूली हस्तियां नहीं है और अपने आप में एक रुतबा रखते हैं, जिनमें जामनेर के जितेंद्र रमेश पाटिल, छगन झालटे, राजेश लोढ़ा, जलगांव के भागवत भंगाले, प्रेम कोकटा, जयश्री मनियार, संजय तोतला, जयश्री अंतिम तोतला और भुसावल के आसिफ मुन्ना तेली इत्यादि शामिल हैं। बताया जाता है कि इनमें से जामनेर के जितेंद्र पाटिल तो विधायक गिरीश महाजन के काफी नजदीकी और दाहिने हाथ माने जाते हैं एवं जामनेर में विधायक जी के सभी राजनीतिक सामाजिक कारोबार जितेंद्र पाटिल ही हैंडल किया करते हैं एवं जितेंद्र पाटिल की गिरफ्तारी अब विधायक गिरीश महाजन की मुश्किलें बढ़ा सकती है। इधर जलगांव भाजपा के महानगर अध्यक्ष और विधायक राजू मामा भोले के रिश्तेदार एवं जलगांव में कारोबार में अपनी पहुंच रखने वाले भागवत भंगाले को भी BHR घोटाले मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। सिर्फ यही नहीं, भाजपा के भुसावल के नेता मुन्ना तेली के सुपुत्र को भी पुणे की पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। इन सभी को मेडिकल जांच के बाद पुणे ले जाया जाएगा। इससे पहले कई गिरफ्तार लोगों की जमानत अभी तक नहीं हुई है और लगभग एक दर्जन गिरफ्तारियां जलगांव में राजनीतिक हलचलों को बयान कर रही है। जलगांव से जकी अहमद के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया आप तक न्यूज के लिए।